बिहार के नए डीजीपी बने राजेंद्र सिंह भट्टी, 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर। शिवांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण हो रहा है, केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया। पीएम मोदी का मेघालय और त्रिपुरा का दौरा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल, 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा पूर्वोत्तर का हो रहा विकास। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंटिंग की बैठक, माफिया काउंसिल की बैठक, सीएम केजरीवाल ने चीन का सामान बायकॉट करने की अपील की। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS मोरमुगाव को सेना किया समर्पित। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाक सीमा में लौटा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन, सिकराए विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह राजस्थान के दौसा के कालाखो से शुरू, यात्रा में शामिल कुछ चुकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद और हमारा सीएम कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा घाटी में इतिहास के बाद हुई पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को बयां करना मुश्किल, जिसकी जांच तक नहीं हुई, बदल रहे हैं हालात। तवांग झड़प पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 7 सवाल, लद्दाख में घुसपैठ को पीएम ने क्यों नकारा, देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री। यूपी में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को कोर्ट झटका, आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 महीने की सुनाई गई सजा, जमानत भी मिली। MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, शाम 4 बजे होगी सत्ता पक्ष विपक्ष चर्चा, कल से शुरू हो रही है सदन की कार्यवाही। सदन में शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, शीतकालीन सत्र को लेकर कमलनाथ के निवास पर बनेगी रणनीति। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए 3 महीने का कारावास, पीलीभीत की विशेष MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा, मुचलके पर मिली जमानत। आगरा में राशन डीलर ने दारोगा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, दारोगा पर लगा 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। फतेहपुर में बोरे में मिला नाबालिग छात्रा का शव, पुलिस कर रही है जांच। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 बसों की टक्कर, 3 की मौत, हादसे में कई लोगों के हलने की खबर, पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नॉलेज पार्क के पास एक्सप्रेसवे पर हादसा, नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, 4 लोग घायल। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 71 पहुंचा, कई लोगों को अभी भी चल रहा है इलाज। मामले में SIT ने शराब माफिया अनिल सिंह को किया गिरफ्तार, अब तक 8 लोग भेजे गए जेल। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।